नमस्कार, दिव्य ऋषि आरोग्यम संस्थान की ओर से मैं डॉक्टर विनय आप सभी का स्वागत करता हूं। अच्छी सेहत कौन नहीं चाहता, चाहे वो बच्चा हो, स्त्री हो या पुरुष, हर कोई अच्छी सेहत की ख्वाहिश रखता है। और इसके लिए कोई जिमिंग करता है, तो कोई अपने खान पान को व्यवस्थित करता है, तो कोई महंगे सप्लीमेंट्स का प्रयोग करता है, लेकिन हाथ क्या लगती है, सिर्फ निराशा। इस निराशा को अगर अपने जीवन से हटाना है तो कुछ अंधविश्वासों से आपको बाहर आना पड़ेगा। अच्छी सेहत सिर्फ अच्छे खान पान, महंगे सप्लीमेंट या फिर जिम से नहीं बनती है। अच्छी सेहत बनती है मजबूत पाचन तंत्र से, और अगर आपका पाचन तंत्र मजबूत होगा तो आपका हाजमा भी दुरुस्त होगा। जब पाचन तंत्र और हाजमा दोनों चीजें दुरुस्त होगी तो आपकी सेहत अवश्य बनेगी ही बनेगी। हमारी पाचन क्रिया हमारे मुंह से ही शुरू हो जाती है। मुंह में प्रेजेंट सलाइवा और सलाइवा में प्रेजेंट एंजाइम्स मुंह में ही खाने को तोड़ना शुरू कर देते हैं। इसके बाद खाना आपकी खाने की नली से होते हुए आपकी पेट, फिर छोटी आंत और बड़ी आंत तक पहुंचता है, और हर एक लेवल पर आपका पाचन तंत्र उस खाने में से पोषक तत्व को निकालकर आपके शरीर को लगाता है। हमारा पाचन तंत्र गाड़ी के इंजन की तरह होता है। जिस प्रकार अगर गाड़ी का इंजन सही तरीके से काम करता रहे तो वो लंबे समय तक आपका साथ देता है, ठीक उसी प्रकार अगर आपका पाचन तंत्र सही तरीके से काम करेगा तो आप जो भी खाओगे वो उसमें से पोषक तत्वों को निकाल कर आपके शरीर को लगाएगा और आपकी सेहत अवश्य बनेगी। सेहत बनने के दो ही मूल मंत्र होते हैं। पहला, आपकी जठर अग्नि मजबूत होनी चाहिए, और दूसरा, आपका पाचन तंत्र इतना सक्षम होना चाहिए कि आप जो भी खाओ वो आपके शरीर को लगे। कई बार क्या होता है, भूख तो बहुत अच्छी लगती है, इंसान खाता तो बहुत अच्छा है, लेकिन इसके बावजूद उसकी सेहत को नहीं लग पाता। उसका कारण यही होता है कि जठर अग्नि तो मजबूत हो गई लेकिन आपका पाचन तंत्र इतना सक्षम नहीं होता कि उस खाने में से पोषक तत्वों को निकाल के आपके शरीर को लगा सके। आज हम जानेंगे कि सेहत बनाने के लिए आप क्या करें और क्या ना करें, आइए जानते हैं। सबसे पहले, अगर आप दिन में 3 बार पेट भरकर खाना खाते हैं तो आप 3 की बजाय 5 बार खाना खाएं, लेकिन थोड़ा थोड़ा। अगर आप थोड़ा थोड़ा खाएंगे तो आपका पाचन तंत्र उस खाने को आसानी से पचा पाएगा और पोषक तत्वों को आसानी से आपके शरीर को लगा सकेगा। रोज रात को 1 गिलास पानी के अंदर 1 चम्मच अजवाइन भिगोकर रख दें, और सुबह उठ के खाली पेट आपको उस पानी का सेवन करना है। लगातार निरंतर प्रयोग से आप देखेंगे कि आपको कब्ज की समस्या, ज़्यादा उफारे की समस्या, एसिडिटी की समस्या दूर हो जाएगी, और आपका पाचन तंत्र पहले से ज़्यादा मजबूत हो जाएगा, और आप जो कुछ भी खाओगे उसको भी पचाने में आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। अपने खाने में दही का प्रयोग अवश्य करें, क्योंकि दही के अंदर होते हैं प्रोबायोटिक्स, जैसे लैक्टोबैसिलस। ये एक एंजाइम होता है जो आपके खाने को इजी तोड़ता है ताकि आपका खाना आसानी से पच सके। मैदा या मैदे से बनी चीज़ों का सेवन बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि मैदा आसानी से हजम नहीं होता है और आपके पाचन तंत्र को एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़ता है इसको पचाने के लिए। अगर आपको 3 रोटी की भूख है तो कोशिश कीजिए कि सिर्फ 2 रोटी ही खाएं, और 1 रोटी की भूख आप सलाद से पूरी करें, क्योंकि सलाद के अंदर मौजूद फाइबर्स आपके पाचन तंत्र को मजबूत बनाते हैं। खाने पीने के लिए प्लास्टिक की बॉटल्स या प्लास्टिक के बर्तनों का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि इनमें प्रेजेंट टॉक्सिन्स कार्सिनोजेनिक होते हैं जो आपको कैंसर तक कर सकते हैं और आपकी पाचन प्रणाली में अवरोध पैदा कर सकते हैं। बाजार में मिलने वाले प्रिजर्व्ड फूड को आज से ही ना कहिए, क्योंकि इनमें प्रेजेंट प्रिजर्वेटिव्स आपके पाचन तंत्र को नुकसान पहुंचाते हैं। सॉफ्ट ड्रिंक्स, या यूं कहें कि किसी भी प्रकार की कार्बोनेटेड ड्रिंक्स का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि ये आपके मेटाबॉलिज्म को स्लो करते हैं जिसके कारण आपका पाचन तंत्र कमज़ोर पड़ जाता है। योगा और मेडिटेशन को अपने जीवन का अभिन्न हिस्सा बनाएं, क्योंकि ये आपको चाहे शारीरिक या मानसिक हर प्रकार की चिंताओं से दूर करता है। दिन में कम से कम 3 से 4 लीटर पानी अवश्य पिएं, क्योंकि
जितना पानी आप पीते हैं उतने ही आपके सेल्स ऑक्सीडाइज होते हैं, और जीने के लिए क्या चाहिए, सिर्फ ऑक्सीजन, और पानी उस ऑक्सीजन की पूर्ति को पूरा करता है। खाना खाने के तुरंत बाद ना टहलें, कम से कम 30 से 35 मिनट का समय दें ताकि खाना अच्छी तरीके से हजम हो सके, और उसके बाद 15 मिनट का समय अवश्य निकालें टहलने के लिए। तंबाकू, धूम्रपान या शराब का सेवन बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि ये सभी चीजें आपके मेटाबॉलिज्म को स्लो करती हैं। खाने में हरी पत्तेदार सब्जियां और फलों का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा करें। अगर आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ, कमेंट करना ना भूलिएगा। अगर आप किसी भी समस्या से परेशान हैं और उसका समाधान नहीं ढूंढ पा रहे हैं तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन सेक्शन में जाकर लिंक को क्लिक कर आप समाधान पा सकते हैं। अगर आप हमसे मिलना चाहते हैं तो पता नोट कीजिए, दिव्य ऋषि आरोग्यम संस्थान, C9/35 फर्स्ट फ्लोर, ऑपोजिट मेट्रो पिलर नंबर 382 यानी 382, रोहिणी सेक्टर 8, दिल्ली। आप हमें कॉल भी कर सकते हैं या आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। हमारा नंबर नोट कर लीजिए, 09311600900। और आप हमें लिख भी सकते हैं info@divyarishi.com पर। नमस्कार।